स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा. प्रूव दैट फाइ इज इक्वल टू थीटा बाय टू. सेकेंड प्रूफ टू ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब. वी नो दैट फाइ इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट. सो फॉर फाइंडिंग फाइ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टेन फाइ. टेन फाइ इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय डी आर. सो इट इज गिवन इक्वेशन ऑफ कर R is equal to a one minus cos theta. आप देख सकते हैं ये कर्व की तरह है. Now we differentiate this with respect to theta. So dr by d theta is equal to here a is constant. Differentiation of one with respect to theta minus differentiation of cos theta with respect to theta. And we know that one is constant, so differentiation of one with respect to theta is zero. And differentiation of cos theta with respect to theta is माइनस साइन थीटा. नाउ दिस माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा. आप देख सकते हैं यहाँ कर्व की गिवन है, कर्व की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड. नाउ डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा वन माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा. ए जो है कॉन्स्टेंट है, इसको डिफ्रेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखेंगे. वन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा. कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होगा. ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए साइन थीटा. डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा. नाउ वी फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस. तो डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू वन अपॉन ए साइन थीटा. नाउ वी नो दैट टेन फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर. अब यहाँ पर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू वन अपॉन ए साइन थीटा हो गया. अब आप जानते हैं टेन फाइ इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर होता है. नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी आर इन दिस इक्वेशन. सो वी गेट आर अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू टेन फाइ. नाउ वी फाइंड आउट टेन फाइ is equal to r upon a sin theta. Now we put value of r from the given equation of curve. So r is equal to a1 minus cos theta. So a1 minus cos theta divided by a sin theta. आप देख सकते हैं यहाँ पर tan phi is equal to r upon a sin theta है. तो इसमें given equation of curve से हम r की value a1 minus cos theta रख देंगे. अब इससे a क्या होगा, cancel होगा. Now this is a is cancel out. So we know that 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. And this sin theta is equal to 2 sin theta by 2 multiplied by cos theta by 2. This 2 is cancelled, this square is cancelled. Sin theta by 2 upon cos theta by 2, this is equal to 10 theta by 2. So we get here phi is equal to theta by 2. आप जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ले सकते हैं. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा. साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 को 10 थीटा बाई 2 लिखेंगे. सो वी गेट टेन फाइव इक्वल टू 10 थीटा बाई 2. सो फाइव इक्वल टू थीटा बाई 2. सो फर्स्ट प्रूफ इज ओवर हेयर. नाउ सेकेंड प्रूफ इज दैट इज बी पार्ट for finding this is the Peter equation, because this is the relation between r and p. So we know that p is equal to r sin phi. Now we put here phi is equal to theta by 2. So we get p is equal to r sin theta by 2. Now squaring both the sides we get p square is equal to r square sin square theta by 2. And suppose this is the equation a. Now from equation of curve 1, from 1, r is equal to a, and this 1 minus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2. So we get here r upon 2a is equal to 2, r upon 2a is equal to sin square theta by 2. This suppose that this is b equation. Now we put value of sin square theta by 2 from equation B in A. So we get here P square is equal to R square multiplied by R upon 2A. So here we get
2a multiplying the left hand side, we get 2a p square is equal to r cube. आप देख सकते हैं, हम जानते हैं कि p is equal to r sin phi. This is the relation between p and phi, where phi is the angle between the radius vector and the tangent, and p is the perpendicular drawn from the pole on the tangent. अब phi की वैल्यू जो theta upon 2 by i है, इसको हम इसमें यह सब्सटीट्यूट कर रहे हैं phi के प्लेस पे. तो ये p is equal to r sin theta by 2 होगा. फिर बोथ साइड के स्क्वायर करेंगे तो p square is equal to r square sin theta by 2 होगा. We suppose that this is an equation A. Now from given equation 1, r is equal to a 1 minus cos theta. We know that 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. So we put here 2 sin square theta by 2. So solve this equation, we get r upon 2a is equal to sin square theta by 2. आप देख सकते हैं जो गर्ग equation given है, इसमें 1 minus cos theta जो है 2 sin square theta by 2 के equal होता है. अब 2a को हम left hand side divide करेंगे तो r upon 2a is equal to sin square theta by 2 होगा. इसको b equation suppose कर लिया. अब b equation से sin square theta by 2 की value equation a में substitute करेंगे. Now substitute value of sin square theta from equation b in equation a. So we get p square equal to r square multiplied by r upon 2a. Now this 2a multiplied in the left hand side, we get 2a p square equal to r cube. This is the Pitten equation of the given chordate r is equal to a1 minus cos theta. Thank you.